डियर स्टूडेंट अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कि एक्स टी एक मीट्रिक स्पेस गिवन है ओके इट मीन्स के ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी और एक डिस्टेंस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस गिवन मेट्रिक वो डिफाइन है हमने ये प्रूव करना है कि ये डी प्राइम इन टर्म्स ऑफ दिस गिवन मीट्रिक अलॉन्ग विद दिस ग्राउंड सेट एक्स ये एक मीट्रिक स्पेस बनाएगा तो यही हमने इसको प्रूफ करना है तो वंस अगेन इसको जेन में रखें कि एक्स टी ये मिट्रिक स्पेस है गिवन है ये डी जोन्स है वो फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा मीट्रिक स्पेस की और हमने प्रूव करना है कि ये डी प्राइम जो इन टर्म्स ऑफ डी गिवन है ये बी फर्दर फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो कैसे है जी तो देखें इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिविटी की तो वो कैसे होगी जी इसमें आप देख सकते हैं कि गिवन मेट्रिक इन टर्म्स ऑफ दिस है तो ये नॉन नेगेटिव कैसे होगी आपके पास देखें जी वन ये भी आपको पता है नॉन नेगेटिव होता है और डी एक्स वाई ये तो है ही नॉन नेगेटिव मीन्स क्यों है जी क्योंकि डी इज गिवन मेट्रिक ऑन एक्स ये गिवन मेट्रिक है ऑन एक्स ओके जी अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो दो सॉरी oh दोनों नॉन नेगेटिव हैं तो इट मींस के इनका जो मिनिमम होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनका जो मिनिमम होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी या नंबर्स उनका मिनिमम भी नॉन नेगेटिव होगा तो यही चीज हमारे पास गिवन है कि डी प्राइम ऑफ एक्स वाई ये नॉन नेगेटिव की नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है देखें जी ये आपका हो गया जी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड देखें क्या देगी एम टू वो होगी जी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या हमारा टारगेट होता है कि वन एवर अगर गिवन जो प्रूफ करनी है मेट्रिक अगर उसको आप वैनिश करें ज़ीरो हो तो वो इम्प्लाई करेगा कि दो दो पॉइंट्स होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे कोई भी मीट्रिक मीन्स uh, के डिस्टेंस फंक्शन की जो वैल्यू है अगर बिटवीन टू पॉइंट्स वैनिश हो रही है तो वो पॉइंट्स भी इक्वल होने चाहिए ओके okay, जी करने चाहिए जो मेट्रिकली आप इस तरह भी कह सकते हैं तो देखें जी इसको कैसे प्रूव करेंगे आपके पास गिवन मेट्रिक है डी प्राइम मिनिमम ऑफ वन ऑफ डी एक्स वाई तो देखें जी तो लेट करते हैं हम के डी प्राइम ऑफ एक्स वाई ये ज़ीरो है तो इट मीन्स के डी प्राइम तो गिवन है कि वो मिनिमम ऑफ वन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो ओके जी देखें ये मिनिमम ऑफ दीज टू थिंग्स तो मिनिमम अगर वन तो वन तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता मींस के जो भी आंसर आए इन दोनों में से उनका वो जीरो होना चाहिए मिनिमम ऑफ दीज टू वट जो भी हो वो जीरो होना चाहिए तो वन तो आपको पता है जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो इट मीन्स के यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई ही जीरो होगा क्यों क्योंकि वन कैन नेवर बी जीरो मीन के मिनिमम अगर वन होगा तो वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता तो लाजमी मिनिमम जो वो डी और सेकेंड नंबर होना चाहिए तो सेकेंड नंबर तो नॉन नेगेटिव है मीन्स के वो मिट्रिक है मिट्रिक है तो ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें से सेकेंड प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव होगी तो अब आप इसको देख सकते हैं जी क्यों क्योंकि ये डी इज ए मिट्रिक ऑन एक्स ऑन एक्स

एक्स टी मीट्रिक स्पेस है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो डेट्स वाई के डी एक्स वाई अगर जीरो होता तो, है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा क्योंकि डी मीट्रिक है ओके जी तो इट मीन्स के इसको बैकवर्ड आप कन्वर्सली uh, भी प्रोसीड करेंगे तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा तो दिस इम्प्लाइज डेट ए डी प्राइम इज रिफ्लेक्सिव ओके okay, जी डी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज करके आपने डी प्राइम को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया नेक्स्ट देखें जी आपके पास क्या है थर्ड थर्ड है जी प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है जी के डी ऑफ डी प्राइम ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू डी प्राइम ऑफ वाई ऑफ एक्स ओके जी तो ये हमने प्रूफ तो अब देखें गिवन के आपके पास इसको आप देख लें हाँ जी गिवन है आपके पास मीट्रिक स्पेस डी प्राइम ऑफ और गिवन डिस्टेंस फंक्शन आपके पास है मिनिमम ऑफ वन ऑफ डी एक्स वाई वेल जी अब देखें यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं एस वन के है जी एस वन यहाँ तो क्या हो जी के डी प्राइम ऑफ एस वन है जी डी प्राइम ऑफ जी जी एस वन है जी के इसमें डी प्राइम ऑफ एक्स वाई ये अगर हम कह दें ये वन है मीन्स के दो केसेस हो सकते हैं या वन है या डी ऑफ एक्स वाई अगर ये मिनिमम है अब आप देखें अगर ये मिनिमम है और ये वन है ये मिनिमम है इन दोनों में से तो इट मीन्स कि अगर मिनिमम है तो दिस इम्प्लाइज डेट के वन ऑफ डी एक्स वाई वन जौन सा होगा लेस देन होगा डी एक्स वाई अगर वन डी एक्स वाई से लेस होगा क्योंकि मिनिमम है मिनिमम है तो दूसरे से वो लेस होगा तो इट मींस के डी तो मिट्रिक है तो डी तो फिर वाई ऑफ एक्स के भी इक्वल हो सकता है क्योंकि डी क्या है जी इज टी इज मेट्रिक ऑन एक्स मिट्रिक ऑन एक्स है तो इट मींस के ये इससे भी लेस हो सकता है तो यहां से आप कह सकते हैं जी कि डी प्राइम ऑफ एक्स वाई अगर वो मिनिमम ऑफ क्या है जी वन ऑफ डी एक्स वाई है तो वो मिनिमम ऑफ वन ऑफ डी वाई एक्स भी हो सकता है मीन्स के ये डी प्राइम ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ गया ओके okay जी ये केस वन हो गया अब सेकंड केस क्या हो सकता है ये हम देखते हैं केस सेकंड इस सेकंड में ये हो सकता है जी के डी प्राइम ऑफ एक्स वाई वो इक्वल टू हो जाए डी ऑफ एक्स वाई के मीन के यहां पर आप डी ऑफ एक्स वाई लेस देन होगा वन के मीन्स के पहले केस में वन था मिनिमम अब हम कहते हैं नहीं डी ऑफ एक्स वाई मिनिमम है मीन्स के वन से वो लेस है ओके okay जी अगर ये लेस है तो फिर वही बात के तो मेट्रिक है तो ये डी ऑफ एक्स वाई डी वाई है जी, so this implies के डी ऑफ एक्स वाई मस्ट भी टू मिनिमम ऑफ जो भी है जी आपके यहाँ वन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इस केस में मिनिमम ऑफ वन ऑफ डी ऑफ ई एक्स के इक्वल हो जाएगा और यही चीज डी प्राइम ऑफ वाई एक्स के इक्वल है ओके okay जी तो आपने देखा दोनों केसेस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो दिस इम्प्लाइज एट ए डीजो इज ऑल्सो जी हम लास्ट बट नॉट लीस्टी है ट्रायंगलर इनक्वालिटी वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे